पर को का डरे कोक अच्छी सी सहाफी बन के न्यूज चैनल में गई लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे वहां का माहौल तो मैंने छोड़ दिया यार झूठ बहुत बोल ज्यादा बोलना पड़ता है हमें कॉल करेंगे मैं चली जाती हूँ मुंह उठाकर बस पैसे पूछती हूँ <laughs> क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने सेल्स में ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे कुछ देना भी पड़ेगा मेरी जिंदगी में ऐसा फेज आया था कि मैं पूरे दो साल तक बैठती थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी मेरे घर के नीचे मदरसा था एक दिन मैंने देखा कि एक जो मोल है वहाँ का छोटे से बच्चे के साथ जाती थी वो भी मुझे इसी तरह ले गया मैं भी गई उसके साथ तो फिर वो मुझे एक वहरान जगह पे ले गए थे और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपने इतना प्यार दिया इतनी मोहब्बत करते हैं आपके कमेंट्स में सारे रीड करता हूं और कोशिश करता हूँ उनको सब रिप्लाई भी करूँ और लाइक भी करूँ तो दोस्तों आज का जो वेटी टॉक है बड़ा स्पेशल है मैंने बताया था कि मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेटी टॉक और सबसे पहले अपने जो मेरे पॉडकास्टिंग के गेस्ट हैं उनके साथ करूँगा तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है जो हमने पॉडकास्टिंग में एज एन एक्टर एक्ट्रेस बिठाई थी और बहुत वायरल गया था इनका लोगों ने प्यार भी दिया और कुछ लोगों ने हेट भी दी बट हु हुयर्स तो आज हमारे साथ मौजूद है द सेल्स गर्ल अल अलमशहूर जवेरिया का

Okay, <laughs> जेरी, जेरी। जेरी अच्छा, <laughs> अफगानिस्तान के, के दोस्त बोलना वो ग्लोरिया बोलते हैं मुझे अफगानिस्तान के आपके दोस्त है काबुल से हाँ सही है मेरे हर मुल्क के दोस्त है अच्छा अफ्रीकन दोस्त भी आप हाँ जी

उसके बाद फिर मैंने सोचा मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके okay. सबसे ज्यादा मजा मुझे उसी में आया मॉडलिंग मॉडलिंग फॉर व्हाट? क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए और सैलो के, okay. के लिए हर चीज के लिए आपने की। हाँ. ये किस एज की बात कर रही है कितने साल की थी <laughs> मेट्रिक से काम करना स्टार्ट किया था मेट्रिक से अच्छा अच्छा तब से आप मॉडलिंग शॉर्टलिंग कर रही थी ओके एंड यू वर स्लिम एंड स्मार्ट एट दैट टाइम बहुत ज्यादा और इसलिए आप मॉडलिंग में चली गई ना ऑल दैट शिट अच्छा ठीक है चले लेट मी टेल मी समथिंग अबाउट योर थिंगी द एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग किस जो है किन-किन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है यार मुझे नहीं पता अच्छा मैं <laughs> <laughs> याद ही <है> नहीं रखती <laughs> यार कि आपको कब सुबह गए शूट किया आ <laughs> हाँ गए बाड़ में जाए किस ब्रांड के लिए अच्छा मैं यूजुअली पूछती नहीं हूं मतलब अच्छा। उनको कॉल आएगी ना किसी पीआर वाले बंदे की मेरे पास दो तीन नंबर्स हैं लोगों के अच्छा कॉल करेंगे सुबह शूट है मैं नहीं पूछती किस चीज का शूट है मैं चली जाती हूं मुंह उठा के वाव। बस पैसे पूछती हूं और <laughs> क्या बात है और ये आपके काबल के दोस्त बने हैं वो भी ऐसे ही बने हाँ उन्होंने भी मुझे Instagram पे देखा उस टाइम मैं हेल्दी हो चुकी थी काफी ज्यादा एक साल पहले मुझे मिले

कर रहा मजाक तो कर रहे है मेरे साथ लेकिन और क्या ये बीमारी के अंदर क्या-क्या क्या, 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 क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या किस तरह तो आपको इफेक्ट करती है मतलब जैसे कहते हैं ना साइलेंट किलर ये वो बीमारी है पता नहीं चलता आपको कि आपको ये बीमारी है अच्छा हाँ लेकिन आपके हॉर्मोन्स खराब होते हैं आप चिड़चिड़े होते हो बदतमीज होते हो और आ... काफी डिस्टर्ब होते हैं लोग इसमें ओके okay. वेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कभी आप पतले हो रहे कभी मोटे हो रहे रही है आपके डिस्टर्ब होते हैं तो किस तरह की चेंजेस आपकी आती है पे? यार एक तो आपके डिस्टर्ब होते हैं। okay. आपकी फेसियल हेयर आ जाते हैं अच्छा। कहाँ कहाँ पे हर जगह जहाँ पे नहीं भी आने चाहिए हाँ जहाँ पे नहीं आने चाहिए आपके लड़कियों के मेरे नहीं आए अभी तक शुक्र है का अच्छा नहीं वैसे आ जाते हैं आ जाते हैं ठीक है जो बाजू पर और टांगों में तो आने है, हाँ, वो तो आते हैं वो, वो, वो जाते हैं अच्छा, वो वो हो जाते अच्छा वो थी हो जाते हैं अच्छा, वो थिक हो जाते हाँ। है, तो आपकी टांगे लाइक like, कोई भी आप शक कर सकता है कि ये लड़की नहीं तो ट्रांस लग रही है इतने थिक तो नहीं होते टांग पे हाँ एक्चुअली ऐसा होता है मतलब लड़की सबके बाल होते हैं

वो बड़ा ना आ, हो जाते हैं थोड़ा सा सांपनी के शिकार हो जाते हैं कि भाई जान ये इसकी दाढ़ी आ गई मेरी क्यों हाँ। नहीं बताते हैं है। <laughs> अच्छा जिसके तरह लेट आए थे हाँ। तो मैं बड़ा उस टाइम कॉम्प्लेक्स इसकी दाढ़ी आ गई इसकी दाढ़ी आ गई मेरी क्यों नहीं अभी तक आ रही तो मैंने भी सेफ्टी फेरी हुई है हर चीज का एक वक्त होता है ना हर एक अभी मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं

और उसके बाद जो है आ, हमारा आपका कैसे कैसे हुआ हुआ था था कुछ याद है हमारी जी, जी, कैसे? याद है है हमारी <laughs> यार मेरी आपकी बहुत बड़ी फैन थी अच्छा है, 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 है। अभी है। तो उन्होंने आपकी वीडियोस वगैरह देख ली कहीं से नया नया ने, ने, ने 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 सिखाया उनको अभी रिसेंटली तो एक साल पहले की बात आया था साल हो गया मैंने आपको टिकटॉक पे मैसेज किया इन माई डिफेंस तब मैं कोई इतना फेमस नहीं हुआ था एंड आई वॉज लुकिंग फॉर फेमस सॉरी फेसिस जो कि मेरे पॉडकास्ट में आ सकें अच्छा अब उसमें सीन सब उस टाइम टिक टॉक भी मेरे पास हाँ। होता था अभी तो मेरा जितने भी सोशल मीडिया के uh, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसमें से मेरे पास कोई नहीं है अगर है भी तो शेयर्ड है लाइक जो मैसेजेज आते हैं इनबॉक्स आते हैं लाइक इंस्टाग्राम पर मैसेंजर uh, पर फेसबुक पर ई जितनी भी है वो सारी टीम हैंडल करती है तो अब आप कहेंगे भाई आपको मैंने मैसेज किया था और आपने रिप्लाई नहीं किया कहना चाह रहे कि मुझे मत मैसेज करो नहीं नहीं करें, लेकिन तरीके से करें लाइक like, एक तरीका कार होता है ना किसी को अप्रोच करने का तो जिस टाइम आपने मुझे शायद मैसेज किया होगा

अभी जो लोग मुझे जज कर रहे हैं डोंट जस्ट डोंट ओके ठीक है आप तो आप मुझे क्यों बुलाया यार एक्चुअली आपने मुझे कुछ वीडियोस अपनी सेंड की थी कि दिस इज समथिंग आई डू ये मेरा फेस है ये मेरा काम है ये मेरी मॉडलिंग है अच्छा आप भी टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी ना? अच्छा आप मुझे अब लोग अप्रोच करते हैं इसके लिए कि मैं एज एन एक्टर आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ और मैसेज भी क्या करते हैं Uh, असलम मेरा नाम ये है और uh, मुझे जो है ना वो अपने पॉडकास्ट में एज एन एक्टर बुला लें थैंक यू मुझे पता है क्योंकि मुझे भी लोग यही कहते हैं कि उम्र के पास आना एक्टिंग करनी मैं मैं कहता हूँ भाईजान मैं अब कैसे आपको इनवाइट कर लूँ आप लाइक फॉर एग्जांपल अपना नाम अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद अपना प्रीवियस वर्क मुझे दिखाएं कि ये मैंने किया है ये मेरी प्रोफाइल है ये मेरी शो रील है एंड दिस इज़ द एक्टिंग आई कैन डू ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ क्योंकि पॉडकास्टिंग में सभी एक्टर्स आते हैं उसमें कोई जनरल जैसे हम जनरल कन्वर्जेशन कर रहे हैं ना ऐसा नहीं होता उसमें प्रॉपर एक हम रिहर्सल करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर फिर उसको शूट करते हैं हमारी भी काफ़ी लंबी गई थी वो हाँ। पॉडकास्टिंग हमने कोई एक डेढ़ घंटे की रिकॉर्डिंग में से वो दस मिनट का क्लिप निकाला हाँ। था तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जब भी आप किसी को मैं अपनी बात नहीं करें जनरली आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ ऑडियंस को जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं कभी एओए लिख के ना छोड़े ठीक हाँ। है, अब मेरे इनबॉक्स में अपनी बात करूं कोई थाउजेंड्स ऑफ एओए लिखे पड़े मैंने कभी आज तक उसको रिप्लाई नहीं किया दिल में कहता हूँ <laughs> क्योंकि मैं किस किस को रिप्लाई करूं हाँ। आप वालेकुम मेरा नाम ये है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है मैं एक्टिंग से रिलेटेड ये काम करता हूँ ये मेरी शो रील्स हैं और मैं आपके साथ पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ और मेरे जेहन में ये आइडियाज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तो लेट्स डू इट राइट सो दिस वे आई कैन क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ मैंने रिसेंटली मैंने पब्लिक में से दो तीन बंदों को लिया अभी तक ज़्यादातर मेरी टीम में चल रही होती है ना पॉडकास्टिंग में मैंने पब्लिक में से दो-तीन बंदों को लिया और एक बंदे के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस किया था कि मैंने कहा यार अब दोबारा मैंने ये काम नहीं करना ऐसे रैंडमली किसी को नहीं बुलाना अनटिल अननेस बस छोड़ दें इस बात को छोड़ दें <laughs> आप कह रहे हो बताएंगे हाँ बता okay. देंगे <laughs> ये केले में बारे में बताने वाली बात ही है तो अच्छा अभी मैंने बल्कि एक और पॉडकास्टिंग के लिए फेस आ, एक ऑडिशन लिया था मैंने रिसेंटली मैंने जब अनाउंस किया था पब्लिक्स में हम ले रहे हैं अभी एक मैंने नया एक लड़की है आ, बच्ची है छोटी सी इतनी भी छोटी नहीं है मतलब उसके जैसी है जैसी बिस्मा है ना हाँ हा।

तो बहरहाल ये स्नैरियो था अच्छा अब अब वो जो पॉडकास्ट कर लिया दैट वेंट वायरल बहुत ज़्यादा वो इतना वायरल चला गया कि मैं खुद परेशान हूँ फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद most किया मोस्ट व्यूड वीडियो आ रही थी मोस्ट uh, व्यूड भी और मोस्ट हेट भी यस अच्छा क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आई पहले बताया तो कि वो आपको उसने कैसे इम्पेक्ट किया उस, उस चीज ने यार मैं तो खुश होती देख 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 के देख, के एक दिन मुझे मुझे गलती से पता नहीं मैंने की तरफ मुझे कीड़ा <laughs> <काट रहा था। laughs> मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ मैंने लाइव में नहीं देखी नहीं देखी थी। थी। हाँ, सही है। तो तुम्हारी जो तुम्हारे जो लोग हैं आपके जो रिलेटिव है घर वाले हैं उनको क्या रिएक्शन था इस पर खानदान वाले यार वालों ने बहुत गंदा रिएक्शन दिया लेकिन मुझे नहीं दिया मेरी फैमिली को जाके दिया मेरे पेरेंट्स को क्योंकि उनको पता है इसको तो फर्क पड़ना नहीं नहीं इसको फर्क इसको। अब उनको उनको जाके कहते हैं जो हमारी बातें सुनता है हाँ। और उस पर रिएक्ट भी करता हाँ। हाँ। है आपको हेटर्स के बारे में एक बात बताता हूँ जो ये हेट मोंगर होते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं अगर आप इनकी बातों से ट्रिगर होना छोड़ देंगे ना तो ये अपनी मौत मर जाएंगे हाँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है अगर मैं मैं ही मिसाल देता हूँ तो अगर आप छोटी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं ना तो इसका मतलब यह कि आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो रिमोट है ना अगले बंदे के हाथ में दिया वो बंदा रिमोट दबाएगा आप डांस करना शुरू कर बंदा रिमोट दबाएगा आप उदास हो जाएंगे जाएगा ठीक है अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दे ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है जब आप लोगों के कॉमेंट्स पे ही चलते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आप कहाँ गए

एक क्लाइंट है मेरा उसने मुझे आ, मैंने उसको कॉल की ऑब्वियसली हमें नंबर्स दिए जाते थे इन पर कॉल्स करें मैं कॉल्स करती रहती थी और सारे क्लाइंट्स तो मिलने के लिए आना चाहते होते थे लेकिन वो लाहौर में होते थे या कराची में दूर 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 तो एक क्लाइंट ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझे पता था कि अगर आपका क्लाइंट आपको ऑफिस से बाहर मिलने का कह रहा है तो उसका गंदा मतलब होता है अच्छा मतलब अगर कोई क्लाइंट आपसे कहे ऑफिस बाहर मुझे कॉफ़ी पर मिले उसकी नीयत में फतूर है ओके तो मैं उस दिन अप, मैं अपने ऑफिस में जिस तरह मैं अभी हूँ मैं इसी तरह रहती हूँ हमेशा मेरे कपड़े वगैरह मेरे पास इसी तरह के होते हैं मैं उस दिन अपने ऑफिस गई बुरका मैंने पहना हुआ था हिजाब मैंने किया हुआ था सीरियसली हाँ, अच्छा मैंने हाथ में नई तस्वीर प्यारी सी खरीदी मेरे हाथ में तस्बी थी ऑफिस वाले सारे मुझे देख रहे कि ये कौन है मैडम क्या हुआ आपकी तबीयत ठीक है मैंने कहा क्लाइंट से मीटिंग है अब क्लाइंट से मीटिंग के लिए हाथ में लेके गई ओके और ऑफिस का एक लड़का भी लेके गई मैं कि तुम आओ तुम साइड पे खड़े होगे उसको नहीं पता होगा कि तुम मेरे साथ ही हो okay. लेकिन तुम बैठोगे हाँ. और ताकि मुझे कुछ करना ये फर्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिल रहे इतनी डरी हुई ओके क्योंकि और जब आप लड़की जब बाहर से मिल के आती है

क्योंकि जब उसने मेरी वीडियोस वीडियोस देखी मेरी तो, मैं तो तो में भी काम करती हूँ मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो वीडियोस भी बनाती हूँ मैं पेन कोड पहन के वीडियोस बनाती रहती हूँ और जब मैं गई उसने देखा यार नहीं नहीं मजा नहीं आया अच्छा अच्छा तुम ये मुझे वाक्य सुना रही है वो अपने दोस्तों को सुना रहा होगा यार मेरी किस्मत तो किस्मत ही इतनी खराब है मैं तो कुछ डेट तो मिलने गया उसके लिए तो डेट ही नहीं वो भी उतने बुरका पा के आई वो वो कुछ लोग कहते ना, कहते हैं हैं ना मुझे मुझे लगता है है जब तक मैंने यूरोप जा रहा चल जाने। <laughs> तो 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 चल चल वाला सीन हुआ होगा <laughs> अच्छा अच्छा यार तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं गया तुमने गया तुमने कहा ये तो काम ख़राब <laughs> तो फिर क्योंकि पता देना पड़ेगा अकेले मुलाकातें होंगी डिनर्स होंगे गिफ्ट होंगे उसके बाद जाके पता नहीं कंपनी की सेल्स होंगी या नहीं होंगी आपकी सेल्स सेल्स हो हो जाएगी मेरी जाएंगी ओके okay. तो कंपनी को इस बात से एतराज होता है मोस्टली कंपनीज को एतराज नहीं होता उनको अपनी कमीशन से से गर्ज गर्ज होता होता है अपनी होता है अपनी right? राइट बल्कि वो तो आपको आप जब कंपनी में जाते हैं तो वो आपको सिखाते हैं कि ग्रोम दिखो मतलब ड्रेसिंग अच्छी करके आओ बाल अच्छे बना के आओ मेकअप थोड़ा सा करके आओ क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियों से ज़्यादा सेल्स हम करवा सकते हैं ओके okay. और फिर जो बॉयज है वो फिर अल्लाह सड़कों पर फिरते रहते हैं, हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हर जगह जाके समझाते रहते हैं यार ये ले लो खुदा का है, दो और लोग कहते हैं यार दिमाग ना खाओ जाओ यहाँ से अच्छा एक बात कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है आपके कहने पे कर लेता है ठीक है

अच्छा आपको लगता है कि ये एक सेल्स मैन की एक ड्यूटी uh, भी है एक फर्ज भी है कि वो ऐसी कंपनी ज्वाइन करे जो कि अच्छी रिप्यूटेड वेल रिप्यूटेड हो क्योंकि आप देखिए सेल्स मैन का काम क्या होता है कि आपने सेल्स करवाने आपको कमीशन मिलेगा आप सबने पैसे कमाने हैं ठीक है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी ये लालच होती है कि भाई मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ मुझे रिटर्न मिलेगा जो कंपनी है उसका भी है कि भाई हम ज्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लाए और हमें फायदा हो ठीक है

हम तो ये क्या कर रहे थे हमें नहीं पता था कि हम फ्रॉड सेल कर रहे थे अच्छा लेकिन अब लाइक बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन सिटीजन आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उसकी एक रेपूटेशन होती है एक पास्ट रिकॉर्ड होता है ना आप देखते हैं कि यार ये कंपनी ऐसी ऐसी, हुँ। ऐसी हुँ। अगर तो आप ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि भाई इसमें पैसे बढ़े पर आई डोंट केयर कि मैं शिट सेल कर रहा हूँ अच्छी चीज हाँ, हाँ, सेल तो कर एक रहा हूँ ठीक है तो एक किस्म से मेरे ख्याल में एक सेल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसके पीछे ना एक्सटेंसिव किस्म की जो है रिसर्च इन्वॉल्व होती है हाँ, राइट हाँ। तो वो हर बंदा नहीं कर सकता सो डेफिनेटली जो है ना वो एक मुहावरा है बोटी पीछे बकरा लाल करना तो आमतौर पर जो इन्वेस्टर है ना वो मारा जाता है के में, कि हाँ। एक के के चक्करों चक्करों में, में पूरी पूरा बकरा हलाल आ हाँ, जाता है अच्छा सूर्य तेज कर लो बकरा अच्छा right? जब आप किसी क्लाइंट को कांटेक्ट करती है और कहते हैं सुबह मिलते हाँ, हाँ। हाँ, हैं <laughs> <cancel> <laughs> तो आपको फिर वो एक किस्म की आपके लिए चांद रात होती है तो चांद रात को नजर आती है। <laughs> यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता था क्लाइंट से बात करना अच्छा और फॉलोअप्स अच्छा। में रहना क्योंकि आप एक क्लाइंट से दो तीन महीने तक फॉलोअप में रहोगे बात करते रहोगे अचानक से कोई इन्वेस्ट नहीं कर देता अच्छा ट्रस्ट <laughs> डेवलप हाँ। well, करते आप ओके okay. लेकिन वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता ना <laughs> बात कहीं और <laughs> बात कहीं और जा रही होती है तो मुझे ना वैसे भी एक कॉल सुनना पसंद नहीं है मैसेज पे रिप्लाई करना पसंद नहीं है तो मेरे लिए ये फील्ड गंदी थी हेक्टिक थी बहुत ज्यादा मैं थक जाती थी

उनका क्रिंच नहीं पसंद वो जो देखा <laughs> लाल कबूतर लाल कबूतर पर <laughs> कोका डठारे कोका दठारे कोका का मतलब क्या है गिर गया ना कोका डठा गिरा गिरा हाँ, रा कोका डठारा हाँ, मतलब गिर गया हाँ अच्छा वो ढूंढती रहती है ना कोका डट गया था फिर तो ये गाना बेसिकली सराइकी है प्रमोटिंग सराइकीज ओके लेट्स लेट्स टॉक अबाउट सराइकी द मोर सराइकी थिंग ओके ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ اچھا ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾੜੇ ਖਾਲਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨਟ ਟੈਲ ਮੀ ਨਾੜੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ 나ੜੇ ਕਿਉਂ ਪਹਨਤੇ ਯਾਰ ਕਲਰਫੁਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ अच्छा हाँ। तो क्या उस कलरफुल का फायदा जो अंदर ही ही। इतने प्यार से बनाती हैं औरतें उनके नाड़े रंग बिरंगे पिंक धागों से जो नजर ही नहीं आने <laughs> उन औरतों को तो, तो आएंगे ना <laughs> और बेचारे फिर पहन लेते हैं फिर उनको दिखाने का शौक भी कर, लगता है फिर उठा उठा के बड़ा आज बहुत गर्मी है आज <laughs> बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है तो ना टारगेट हाँ, नाड़ा हाँ, नाड़ा नजर आए वो तो शौक से दिखाते हैं ना अच्छा क्यों जितना नारा आपका कलरफुल सा होगा जिस तरह परांदे होते हैं ना कलरफुल हाँ, से हाँ, हाँ, हाँ। उस तरह जितना आपका कलरफुल नारा होगा लड़कियों के परांदे होंगे वो को लगता है उनको उस तरह के लोगों को शादी के ऊपर भी जो दूल्हा <laughs> होते हैं वो कलरफुल नाड़ा पहनते हैं हां दैट्स लास्ट थिंग अ सी बिफोर गेटिंग फेंटेड

बहुत फेमस है हमारे गाने बिस्मिल्लाह करा भी हमारा गाना है बिस्मिल्लाह करा वो पंजाबी नहीं।, नहीं।, नहीं है। काला शाह काला भी हमारा गाना था चीज नहीं है पंजाबी का तो एक्सेंट ही आपसे अलग है ना मैं पता क्या समझता था कि पंजाबी का ही एक्सेंट सरायकी है आप कह रही है सरायकी अलग कॉम है बिल्कुल डिफरेंट है अच्छा हाँ जो आप लोग चौधरी वगैरह होते हो जो भी होते हो आप लोग पंजाबी हाँ, हम हाँ, हाँ, वो नहीं होते अच्छा हमारी कास्ट पे आपने कभी सुनी भी नहीं होगी खेड़ा सियाल हाँ 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 नहीं खेड़ा तो सियाल ये तो वो है ना हीर वाली हाँ, हीर तो भी सरायकन सी हीर सरायकी है रांझा नहीं हीर सरायकी है यू टेलिंग मी कि जो हीर थी हाँ, वो सरायकन थी जी जी तो उसकी इसलिए शादी नहीं हो सकी इंसानों में यार हम हम मैं लोग ज्यादा अपनी कास्ट से बाहर भी लड़कियां नहीं देते हैं और लड़कियाँ करते हैं कि लड़का तो शादी करनी है तो शादी होगी और कास्ट का लड़का अगर नहीं आया तो, तो बस नहीं होगी नहीं तो जो घर बैठी हुई है उनका दिल नहीं करता यार उनकी भी शादी बेशक खानदान के बाहर हो जाए कुछ उनके भी बच्चे प्यारे पैदा हो जाएंगे खानदान से बाहर अच्छा यार मुझे आपकी सबसे बड़ी लाइफ की इनसिक्योरिटी क्या है मर्द

उस जमाने में औरतें जरा कम काम करती थी कितनी पुरानी है दस, दस साल पहले की बात है ठीक है उस टाइम जरा कम थी हाँ तो मैंने तो बहुत छोटी उम्र से लड़कों को मर्दों को देखना शुरू किया शक्ल ड्रेसिंग तो उनके लिए मैटर करती नहीं है शु, नहीं कितना शुरू से मर्दों को कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया आपने <laughs> बहुत छोटी उम्र में मैंने मर्दों को देखा कितनी छोटी उम्र में तीन साल की थी मैं तीन क्या देखा आपने यार गाँव गई हुई थी मैं अपने अच्छा <laughs> बता सकती हूँ बता दो अच्छा मैं अपने... काटने वाली बात तो काटते हैं <laughs> यार मैं अपने गांव में थी तो मुझे क्या पता किसी की बॉडी कैसी होती है मैं तो अपने आप को देखा हुआ ना सिर्फ तो मेरी रिलेटिव मेरे कजन को नहला रही थी वो सहन टाइप सीन होता है ना वहाँ पे सारे साइड बैठे होते हैं तो

अच्छा अच्छा क्वेश्चन था था? ना मुझे मुझे क्या पता नहीं तो आपने बच्चों को दे, मैं मर्दों की बात कर रहा हूं कि वाई आप, तो आप <clears throat> रावलपिंडी में मैं एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे आ, मेरा घर जो था वो ऊपर वाले पोर्शन में पुराना एरिया टाइप था उस टाइम पे और मेरे घर के नीचे मदरसा अच्छा था वहा पे लड़किया लड़कियाँ सब पढ़ते थे हाँ वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ाती थी और मर्द भी पढ़ाते थे अच्छा तो मेरे तो घर के नीचे था मैं ग्रिल से ऊपर से बची थी मैं वैसे ही देखती रहती थी उनको एक दिन मैंने देखा कि एक जो मौलवी है वहाँ का जब शाम का लड़कों का टाइम है उसने एक छोटे से बच्चे के साथ ज्यादती की थी you, you कैसे मैं ऊपर से देख रही थी वो उसको कमरे में लेके जा मैं कहती हूँ उसको रोज लेके जाता है यार क्या इसका सीन है मैं भी देखू जा इसमें क्या बात है ऐसी तो दरवाजा बंद ही किया हुआ था उसने मैं जब वहाँ पे गई मैंने देखा वहाँ पे तो मैंने कितनी टाइम बारह तेरा साल अच्छा वेरी यंग एज हाँ। uh, हाँ, तुम्हें हाँ। था ही क्या हो नहीं मुझे आइडिया नहीं था मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है लेकिन जब वो बच्चा चीख रहा था तो मुझे इतना पता था कि कुछ बुरा ही हो रहा है उसके साथ

बुला लेते थे मतलब और लोग भी नहीं वो जो बंदा था वो बुला लेता था अच्छा हाँ। तो तुम्हारे जेन में उस बंदे की शक्ल है तुम जानती हो उसको बहुत अच्छे तरीके से शक्ल है कभी जा नहीं सकती वो शक्ल मेरे दिमाग से ओके तो क्या कभी आपको आपको भी कभी फैमिली में ऐसा वाक्य फेस करना पड़ा है इन योर फैमिली यू फेस दैट थिंग अच्छा चले मैं अब ये नहीं कहूँगा आप नाम लें बट वट वॉज द होल थिंग मुझे नहीं मुझे असल में

और सब लोग मुझे उठा के के जाना चाहते थे कि ये इतनी प्यारी hmm. वो भी मुझे इसी तरह ले गया मैं भी चलेगी उसके साथ तो फिर वो मुझे वहरान जगह पे ले गए थे और किसी ने यकीन नहीं किया था मेरा तूने बताया मैंने चीखी हमारी थी सब लोग जमा हो गए थे तो मुझे देख के भी किसी ने यकीन नहीं किया अच्छा तो मैं देख भी किसी ने इसने कुछ किया होगा की चुप, 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 लड़की की, लड़की की चुप चुप चुप। बस बात को यहीं पे। और वो वो अभी भी बंदा है तुम्हारी में। you know him. अच्छे तरीके से। he's जी सब जानते हैं बट दे लाइक चोज़ टू बी लाइक क्वाइट अच्छा मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ जो पीडोज होते हैं ना डेफिनेटली आपने देख लिया कि वो रिलेशन नहीं देखते ठीक है वो नहीं देखते कि हमारी फैमिली का बंदा है बाहर का बच्चा है कहाँ का है उनकी एक खास साइकी होती है जो कि उनको फोर्स करती है ये कदम उठाने पर वो आपकी फैमिली मैंबर कोई भी हो सकता है तो खुदा रहा अपने बच्चों को जितने भी आपकी फैमिली में अपने बच्चे हैं दूसरे बच्चे जिनका आप केयर करते हैं उनको किसी के साथ भी अकेले मत जाने दें आप हमेशा उनके साथ रहें साय की तरह और अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताएं और बच्चों के साथ खुलें अगर आप बच्चों के साथ नहीं खुलेंगे आप उनके साथ बातें नहीं करेंगे उनके साथ आमतौर पर आप मोबाइल पर लगे होते हैं फ़ोन में लगे होते हैं टीवी देख बच्चा आपको कुछ बताता है तो आप इग्नोर कर देते हैं राइट तो बच्चा जब ये बिहेवियर देखता है कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं जा रही तो फिर वो क्या करता है कि जो उसके साथ इंपॉर्टेंट या कुछ इस तरह का वाकई है तो वो भी शेयर नहीं करता उसको पता है मेरी कौन सी सुनी जानी कौन से लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं सो दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रामा और हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा ये हिस्सा है और आमतौर पर क्लोज़ रिलेटिव ही ऐसी गंदी ऊँची हरकत करते हैं और अगर ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सद्देबाप करना चाहिए उनको सोसाइटी से दूर संभाव करना चाहिए उनके ऊपर पर्चा कटवाना चाहिए उनको जलील इतना करना चाहिए ख़ानदान के अंदर कि सारे उसके बारे में जान जाए एटलीस्ट क्योंकि जो ये हरकत कर सकता है वो बाज नहीं आएगा एक बार करेगा दूसरी बार करेगा तीसरी बार करेगा और जब उसको मौका मिलेगा वो करेगा तो ऐसे जानवर ऐसे भेड़िए से आपने अपने बच्चों को महफूज रखना और जैसे ही आइडेंटिफाई होता है उसको फौरन आपको चाहिए कि उसका कोई सदेब आप करें पुलिस में दें उस पर या ऐसी अब्रतनाक सजा दें उसको कि वो याद रखे नेक्स्ट टाइम ऐसा करने का सोचे भी नहीं तो खैर हम काफ़ी अल्ले गुल्ले वाली बातें कर रहे थे आ, बात कहीं कि कहीं निकल गई तो खैर मैं लेकिन मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा जब भी आप यहाँ पर आती हैं यू आर लाइक हैविंग सम लाइक जॉयफुल मोमेंट्स ठीक है, like, uh, some, uh, like, है? तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी ही है नहीं मैंने बनाई थी बनाई थी हाँ। अच्छा आमतौर पे इंसान तो जिंदगी में किसी ना किसी ट्रामा से वो गुजर रहा होता है या, के पास, जाता है या थे के पास जाता है उनको लेके तो सबसे पहले वो कहते हैं आपके साथ बचपन में कोई वाक्य हुआ था कोई ट्रामा हुआ था और आपको लगता है आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन या इस तरह की चीजें आई हैं और आई है तो उसके किसी ना किसी हद तक वो वाक्य इन्वॉल्व था वो एक वाक्य मतलब वो तो एक स्पेशल वाक्य था ना ठीक है उसके बाद जो वाक्य होते हैं जिनको कोई आ, पूछता ही नहीं है जिस तरह से उस्ताद होते हैं और जो उनकी बातें तो कोई पूछता है नहीं तो वो हैं, हैं। है तो इतने सारे ड्रामाज होते हैं इतने सारे ड्रामाज होते हैं ठीक है तो आपको लगता है ना और आपकी जिंदगी में लेकर मेरी जिंदगी में ऐसा फेस आया था मैं पूरे दो साल तक बेड पे थी दो साल बेड पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी मेरा दिल नहीं करता था ना मैं शॉवर ले सकती थी ना मैं उठ सकती थी किसी से बात नहीं कर सकती थी खाना खाने का दिल नहीं करता था बस डिप्रेशन 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 ओके एंड हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट अभी भी मैं उस फेज में हूँ कि मैं रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि okay. वो आ, इतने सारे ट्रामाज आप एक साथ मिल जाते हैं तो डिप्रेशन तो हो ही जाता है okay. और इतना सीवियर डिप्रेशन तो उसमें से निकलने में आपको टाइम लगता है लेकिन सैडली हमारे पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं सुनते तो आपका साइकाइट्रिस्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया मेरा बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया उनके पास टाइम नहीं होता एक्चुअली अच्छा आप जब एक पेशेंट के पास हो तो जितनी मर्जी वो बात करता है क्योंकि जब

5000 अच्छा एवरेज इतना चार्ज करते हैं आधे घंटे के आदे आदे हेंटे आपके हेंटे साथ बातें करने का रियली थिंक कि ये कोई मतलब मैटर करता है या आपकी जिंदगी में कुछ सुधार आता है या आप अभी तक जिन थेरेपिस्ट से मिली हैं वो इतने काबिल नहीं थे मैं बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ लेकिन किसी को भी समझ नहीं आती कि मुझे प्रॉब्लम क्या है

जो बड़ी पे शुरू हुआ बहुत ही हाई एनर्जी पे शुरू हुआ और फाइनली आते आते जो है ना हमारी एंडिंग जो कि है आमतौर पर होती भी है लेकिन बहुत ही सैड मोमेंट पर हो गई और आ, मैं यकीनन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपके बच्चे हैं आपके अराउंड हैं प्लीज़ उनका बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि जो हम जवानी में बहुत सारे जो डिप्रेशन फील करते हैं या ट्रॉमास में जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो बचपन है वो इन्वॉल्व होता है तो इसमें आपको एहतियात करनी है तो आज हमारे साथ ही जवेरिया और हमने आपकी सलाइकी सुनी बड़ा मज़ा आया आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानकर दुख भी हुआ और अच्छा भी लगा एंड आई होप यू आर डूइंग गुड राइट नाउ अभी आप जो भी कर रही हैं जो भी आप करेंगी और इनशाला हम एक और पॉडकास्ट एक दोबारा करेंगे तो आप लोगों को प्यार देने का बहुत शुक्रिया अगर आप जुवेरिया को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपना इंस्टा हैंडल बता देना ऑडियंस को अपना जवेरिया खान बस जवेरिया खान सर्च करें आ जाए घोड़े के साथ फोटो इसकी यार देख लेना डीपी पे तो अपना बहुत सारा ख्याल मिलते हैं इनशाला अगले भी टॉक में अल्लाह हाफिज